ऑनलाइन। ये आज हमारा आखिरी सेशन है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स फॉर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस का। हो सकता है इसके बाद अपेंडिक्स के तौर पर हम कोई एक्स्ट्रा सेशन रख लें, लेकिन इरादा यही है कि आज से इस चीज को वाइंड अप कर देंगे और फिर उसके बाद आखिर में सोचेंगे कि मजीद क्या काम करना है। आज का टॉपिक दो हैं बल्कि तीन है, सेमेंटिक रोल्स नंबर वन, नंबर टू आप कह लें मिसलिनियस, और नंबर थ्री कंक्लूजन। तो अगर प्लान में हम देखें तो हमारे पास प्लान में वर्ड एम्बेडिंग का कोड लास्ट टू लास्ट टाइम हमने सेमेंटिक्स देखी थी उसमें, लेकिन वर्ड एम्बेडिंग किस तरह से होती है, हम कॉर्पस से सेमेंटिक्स किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं या कम से कम वर्ड सिमिलैरिटी किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं, उसकी कोड हमें देखना है। फिर सेमेवेल के कुछ टास्क होते हैं, हम उसको देखेंगे। सेमेंटिक रोल्स क्या होते हैं, सेमेंटिक्स का एक मेन फॉर्म है। तो आज बेसिकली शुरू के तीन चीजें सेमेंटिक्स से रिलेटेड हैं। फिर लास्ट टाइम हमने पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स देखे थे और उससे पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी किया था। तो हमें ये देखना है, उसका एक तरह फॉलो अप है कि हम कुछ उर्दू का डाटा सामने रखकर या दूसरी जबानों का डाटा सामने रख के फिर ये देखें कि हमने जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ डिस्कस किया था, उसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, किस तरह से कर सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन के क्या गेन कर लिया और क्या गेन नहीं किया। तो वर्ड एम्बेडिंग कोड के लिए मैं अभी उस पे चला जाऊंगा नोटबुक पर। उससे पहले सेमेंटिक एवेल्युएशन क्या होती है, ये भी कुछ टास्क है। तो सेम एवेल टास्क, जिस तरह से मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का जो लास्ट सेशन था, जो मैंने कहा था कि डेवलपमेंट वाला सेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला सेशन है, उसमें हमने देखा था कि कुछ टास्क सिग्मॉर्फोन के स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप फॉर मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी का कुछ टास्क होते हैं जिसमें प्रोग्रामर को परफॉर्म करना होता है। इसी तरह से एक और सीरीज ऑफ टास्क है जिसे सेम एवेल टास्क कहते हैं, सेम फॉर सेमेंटिक, एवेल फॉर एवेल्यूएशन। और ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ACL का स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप फॉर लेक्सिकल, फॉर लेक्सिकॉन अरेंज करवाता है। और इसमें डिफरेंट सेमेंटिक्स के हिसाब से टास्क होते हैं कि आपको कुछ कुछ डेटा सेट को प्रोसेस करना होता है और उस डेटा सेट को प्रोसेस करके सेमेंटिक के हवाले से कोई फाइंडिंग देखनी होती है। तो किस तरह के काम होते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। 2020 का जो टास्क था उसमें अनसुपरवाइज लेक्सिकल सेमेंटिक चेंज डिटेक्शन, एक वर्ड जो फॉर एग्जाम्पल माउस है, माउस 70s तक किसी और मायनों में बोला जाता था, आज माउस कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल हो जाए तो एक डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इवन कंप्यूटर अगर 1930 में देखें तो उसका एक ऐसा शख्स जो काम कर कोई चीज कंप्यूट करता हो, आज एक वो मशीन है जो काम जो कंप्यूट करती है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वर्ड्स की लेक्सिकल चेंज, लेक्सिकल सेमेंटिक चेंज डिटेक्शन के वर्ड्स की सेमेंटिक चेंज हो रही है, वही वर्ड माउस है, वही वर्ड कंप्यूटर है, लेकिन वो चेंज हो रहा है। एंड ये आपके सामने सिर्फ इसलिए रख दिया है कि आपके सामने ये लिस्ट मौजूद हो कि इन इन चीजों पे दुनिया में काम हो रहा है सेमेंटिक एवेल्युएशन पे। 2016 में क्या हुआ था, 2016 में सेमेंटिक एवेल्युएशन हर साल होता है, आपको प्रोग्रामर्स को ये टास्क दे दिए जाते हैं कि ये मॉडल करना है, एक डाटा सेट दे दिया जाता है और सब उस डाटा सेट पे अपने प्रोग्राम बनाते हैं कि कौन किस डेवलपर का कोड अच्छा काम करता है इन डाटा सेट पे और किसका अच्छा काम नहीं करता। तो 2016 में टेक्सचुअल सिमिलैरिटी एंड क्वेश्चन आंसरिंग टास्क थे, सेंटिमेंट एनालिसिस पे बहुत काम हो रहा था, सेमेंटिक पार्सिंग पर काम हो रहा था और सेमेंटिक एनालिसिस ट्रैक पे काम हो रहा था। अच्छा, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके गोल्स में ये रखा था कि हम डेटा सेट्स पे देखेंगे कौन से डेटा सेट्स हमें बनाने चाहिए। एल्गोरिथम इस किस्म के टास्क का फायदा यही होता है कि एक सेम डेटा सेट पे 8-10 किस्म के एल्गोरिथम सप्लाई होते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम वर्क्स बेस्ट फॉर दिस टास्क एंड दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम वर्क्स बेस्ट फॉर दिस टास्क, तो हम वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हमें ये कुछ आइडिया है कि सेमेंटिक एनालिसिस पर किस टाइप के एल्गोरिथम्स अच्छे चलेंगे, एस्पेक्ट बेस्ड सेमांटिक एनालिसिस पे किस टाइप के एल्गोरिथम चलेंगे। अब हमारा काम, एक काम ये है कि
उन एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करें, बिल्कुल वो काम है। और दूसरा काम यह है कि ऐसे डेटा सेट बनाएं जिसपे वो एल्गोरिथम्स भी चल सके। तो जितने भी ये टास्क हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग उर्दू का, पश्तो का, बलोची का अगर डेटा सेट बन जाए तो उनके लिए भी सिस्टम एल्गोरिथम्स और सिस्टम्स मौजूद हैं। जस्ट डेटा सेट देंगे तो उनके भी डेवलप्ड प्रोडक्ट बन सकती है। तो सेम एवेल सर्च आप कर सकते हैं बाद में कि इनमें से कौन सी चीजें हो सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट टास्क टर्म प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर थीसिस हो गए इस चीज पर हो सकती है कि इस डिसिप्लिन के लिए डेटा सेट बनाना है और उस पर फिर सिंपल सा एल्गोरिथम अप्लाई करके देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो सेमेंटिक एवेल्युएशन ये बहुत कुछ है कि दुनिया में अगर देखना हो कि इस वक्त लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं तो सेम एवेल टास्क लिस्ट देखी जा सकती है और उसके वहीं से एल्गोरिथम भी सीखे जा सकते हैं और वहीं से फिर डेटा सेट कौन सा बनाना है वो देखा जा सकता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं वर्ड एम्बेडिंग पर। वर्ड एम्बेडिंग के लिए लास्ट टाइम ये वाली बात हुई थी कि वर्ड इस आप किसी भी वर्ड की सेमेंटिक्स मालूम कर सकते हैं उसके इर्द गिर्द के अल्फाज को देखकर। जैसे वर्ड बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये वर्ड ईट के साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो इन दोनों की सेमेंटिक एक जैसी होगी। लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह एक जैसे वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं उनकी सेमेंटिक एक जैसी होगी। तो वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन से वर्ड सेमेंटिकली सिमिलर है। उसके लिए जो टूल था न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टूल था उसका नाम था वर्ड टू वैक। दो चलिए दोबारा खोल देते हैं। वर्ड टू वैक, वर्ड टू वैक में न्यूरल नेटवर्क के जरिए सेमेंटिक्स लर्न की जाती है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड से ज्यादा सिमिलर है या कम सिमिलर है। तो ये मैं नोटबुक लगा रहा हूँ कि हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, आप उसमें दोबारा से कंसल्ट कर सकते हैं कि फास्ट टेक्स्ट फेसबुक ने बनाया है और वो सब वर्ड्स भी देखता है, इन्हें वर्ड के अंदर भी देखता है। ये वर्ड एम्बेड वर्ड टू वैक गूगल ने बनाया है और ये वर्ड बेस पे फैसला करता है। तो हमें वर्ड एम्बेडिंग करनी है। वर्ड एम्बेडिंग के लिए हमारे पास कॉर्पस क्या चाहिए? तो कॉर्पस मैंने एक मिनी कॉर्पस लिया है और मिनी कॉर्पस कुछ हदीस की किताबें हैं, बाइबल का तर्जुमा है और मेरे ख्याल में ये दो चीजें हैं, हदीस की कुछ किताबें हैं और बाइबल का तर्जुमा है। और इस वक्त और इनको रख दिया। ये बहुत छोटा कॉर्पस है क्योंकि न्यूज़पेपर कॉर्पस इसके मुकाबले में बड़ा होता है, लेकिन उन सारी चीजों पर कॉपीराइट होता है जिसे आसानी से शेयर नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज है जिस पर कॉपीराइट नहीं है, इसलिए इसको शेयर कर दिया। तो आपके पास कुछ छोटा सा कॉर्पस मौजूद है, असल कॉर्पस इससे 100 गुना या 500 गुना बड़ा होता है। अच्छा, ये कॉर्पस गूगल ड्राइव पे मौजूद है। संडे वाली सेशन में अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने गूगल ड्राइव से रीड करना डिस्कस किया था। तो अभी हमने गूगल ड्राइव पे एक CVT-20 की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर कॉर्पस की डायरेक्टरी बनाई और उसमें ये कॉर्पस कॉपी कर दिया। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर। तो पहला काम ये किया कि गूगल ड्राइव इंपोर्ट कर लिया। गूगल ड्राइव इंपोर्ट करने के लिए ड्राइव ये को इंपोर्ट किया और उसके बाद माउंट कर दिया content.drive। इसमें वो हमसे ये सारी चीज ऑथेंटिकेशन पूछेगा, वो आपसे इजाजत मांगेगा कि क्या मैं आपकी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसने URL पूछा, URL पे जाकर मैंने उसे अलाउ कर दिया कि वो मेरी पूरी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकता है। और इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि आप कोई ऐसा कोड रन ना कर दें जो जाके आपकी पूरी गूगल ड्राइव को डिलीट कर दे। तो इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप अपना कोड तो चलाएं, किसी दूसरे का कोड पहले एक दफा पढ़ लें कि उसमें कहीं डिलीट तो नहीं हो रहा है या वो आपकी सारी फाइलें कॉपी करके किसी और जगह पे ईमेल कर दे। तो इसीलिए वो कहता है कि आप अलाउ कर रहे हैं, ये सारे खतरे हो सकते हैं। हम यहाँ पर आए, कहाँ गए, ऑथराइजेशन कोड जो था
हमने लिया, इसका मकसद यह है कि अब गूगल ड्राइव एक्सेस हो सकती है। अब अगर मैं देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल लिस्ट डायरेक्टरी में देखूँ कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइलें हैं, तो वो मुझे बता देगा कि कंटेंट ड्राइव, माई ड्राइव, ये तो हर बात में होता है, उसके अंदर CLT 20 का एक फोल्डर है, उसके अंदर कॉर्पस का फोल्डर है, कॉर्पस के अंदर ये बुक्स रखी हुई हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अच्छा, अब जो है अगला काम क्या है, अगला काम हमने जेनसिम लाइब्रेरी यूज की, जिसके अंदर वर्क टू वर्क और बहुत सारे सेमेंटिक प्रोसेसिंग के फंक्शंस मौजूद हैं। जेनसिम लाइब्रेरी में जाकर हमने NLTK थर्ड नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट में नेचुरल लैंग्वेज को डील करने के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस मौजूद हैं। तो हम यहाँ इसका कॉर्पस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और उसमें से कॉर्पस रीडर, कॉर्पस रीडर क्या करता है, आप उसे एक डायरेक्ट्री बता दें कि ये डायरेक्ट्री है, इस डायरेक्ट्री में से वो ऑल फाइल्स पढ़ लो जो जिनका फॉर्मेट सम नेम .txt है। तो .txt का मतलब यहाँ पे कोई भी लेटर्स आ सकते हैं और उसके बाद .txt आएगा, यहाँ पे कोई भी करेक्टर्स आ सकते हैं उसके बाद .txt। तो ये इस फोल्डर से वो सारी फाइलें रीड कर लेगा जिनके आखिर में txt आ रहा है, वरना फिर हमें हो सकता है कि एक एक फाइल पढ़ने के लिए कोई लूप लगानी पड़ती, तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली हो गया। इसका और भी फायदा होता है कि हम इस पर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, अगर प्लेन टेक्स्ट कॉर्पस रीडर के बजाय पार्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट कॉर्पस रीडर करें तो पार्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट कॉर्पस को रीड कर सकता है। अच्छा, रीडर ने रीड कर लिया, हमने टेक्स्ट इक्वल टू रीडर डॉट रॉ किया, तो ये सारा इनमें जितना भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा रॉ फॉर्म में इधर चला गया। रीडर में हम और भी देख सकते हैं, जैसे रीडर डॉट फाइल IDs कहा, तो इसमें जो जो फाइल्स मौजूद हैं, पहली फाइल बाइबल OT ओल्ड टेस्टमेंट, फिर फाइल बाइबल OT 2 इब्ने माजा इब्ने कसीर एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें से कॉर्पस रीडर की बहुत, हमने तो सिर्फ एक काम कर दिया कि रॉ कॉर्पस उठा लिया, रॉ का मतलब यह है कि उसको हमने टोकनाइज नहीं किया और उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, जिस तरह के स्ट्रिंग पड़े हुए थे फाइल में एज इट इज उठकर आ गए, वरना अगर हम चाहते तो और भी कर सकते थे, इसमें इसको टोकनाइज भी कर सकते हैं और दूसरे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने रॉ कॉर्पस आ गया हमारे पास, तो हम उस रॉ कॉर्पस को अब हम डिफरेंट चीजों में तोड़ेंगे। रॉ कॉर्पस को सबसे पहले सेंटेंसेस में स्प्लिट करना है। नॉर्मली अगर हम टोकनाइज करें, अगर लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट दो टाइम्स मैंने डिस्कस किया था कि आप टोकनाइज का फंक्शन यूज कर रहे हैं NLTK का, तो वो टोकनाइज करके दे देता है, लेकिन नॉर्मल टोकनाइज में एक मसला होता है कि वो इंग्लिश की तरह से टोकनाइज करता है, यानी वो फुल स्टॉप पे टोकनाइज करेगा, वो क्वेश्चन मार्क पे टोकनाइज करेगा, वो कॉमा पे टोकनाइज करेगा, लेकिन फुल स्टॉप कॉमा वगैरह जैसे यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है लेकिन उल्टा बना हुआ है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन मार्क अलग होता है और अरबिक स्क्रिप्ट में जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, अरबी हो गई, फारसी हो गई, उर्दू हो गई, उसमें अलहदा से लिखा जाता है, तो उसके लिए अब आपको दूसरी चीजें लिखनी पड़ती है, यहाँ पे कॉमा भी टाइप करना चाहिए। तो अब हमने बता दिया कि सेंटेंसेस को जो आपके पास एक स्ट्रिंग आ गया है, पूरा का पूरा जो कॉर्पस उसने रीड किया, सारी फाइलों को मिलाकर उसने एक सेट ऑफ टेक्स्ट बता दिया, उसको हम सेंटेंसेस में स्प्लिट करेंगे। और सेंटेंसेस में किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमें न्यू लाइन करेक्टर मिल गया, डैश मिल गया या क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो वहां पे हम सेंटेंस तोड़ देंगे कि ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से स्प्लिट, हमने इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि काउंट ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, हमारे पास एक लिस्ट बन गई जिसमें सेंटेंसेस मौजूद हैं और टोटल 208,000 सेंटेंसेस हैं। ऐसे रैंडमली देखा कि सेंटेंस नंबर 32 क्या है, लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस है तो उसमें 32, बल्कि अगर जीरो से क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है तो ये नंबर 33 होगा, तो 30 इंडेक्स नंबर 32 पर क्या चीज मौजूद है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा कर दिया, सही, तो ये हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद NLTK टोकनाइज इस्तेमाल किया, टोकनाइज सेंटेंसेस भी अब स्ट्रिंग फॉर्म में है,
इसको वर्ड्स अलहदा अलहदा नहीं है, हमें वर्ड अलहदा अलहदा करना है, तो उसके लिए हमने एक टोकनाइज का फंक्शन यूज किया और टोकनाइज, और दूसरा ये है कि वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। अच्छा, वर्ड पंक्ट टोकनाइजर की खास चीज है, इंग्लिश में हम अगर नॉर्मली यूज करते हैं तो एनएलटी के टोकनाइज डायरेक्टली यूज कर देते हैं, उसमें आ जाता है। वर्ड पंक्ट टोकनाइजर की स्पेशल टोकनाइजर है जो इस चीज का ख्याल रखता है कि उर्दू का कॉमा अलग होता है, उर्दू का क्वेश्चन मार्क अलग होता है, और उर्दू के बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स अलग होते हैं। तो इसमें तमाम लैंग्वेजेस के पंक्चुएशन मार्क जो इंग्लिश के अलावा है वो भी अवेलेबल होते हैं, तो उनकी बेस पर फैसला कर देता है। तो ये उर्दू का कॉमा या उर्दू का क्वेश्चन मार्क अगर किसी वर्ड के साथ अटैच है तो उसे वो अलहदा कर देगा वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। तो एनएलटीके का जो नॉर्मल टोकनाइजर है उसे आप उर्दू में या अरबिक स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करने के बजाय वर्ड पंक्ट टोकनाइजर को इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। हमने वर्ड पंक्ट टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका फंक्शन टोकनाइज कॉल कर दिया। तो एक एक करके हमने सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस रीड किए और उन सेंटेंसेस को एक एक करके रीड करने के बाद उनको टोकनाइज करते रहे। और जस्ट सेंटेंस नंबर 32 जो है उसको जब उसकी टोकनाइज होने के बाद इब्तिदा अलग हो गया, मे अलग हो गया, खुदा अलग हो गया, एंड सो ऑन, इतने इसके टोकन बन गए कि हर वर्ड का टोकन अलहदा बन गया। अब ये चीज है कि सिंपल सिंपलेस्ट टोकनाइजेशन ऐसी ही होती है। एक ओपन क्वेश्चन है जो टोकनाइजर में इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है कि अगर इस्लाम आबाद लिखा होता है, इस्लाम स्पेस आबाद, अगर इंग्लिश में न्यूयॉर्क लिखा होता है, न्यू स्पेस यॉर्क, तो उसको किस तरह से डील करेंगे कि इस्लाम स्पेस आबाद एक सिंगल वर्ड है, ये दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है। तो उनको डील करने के लिए एक स्मार्ट टोकनाइजर चाहिए जो इन इस किस्म की चीजों को डील कर सके कि जो मल्टी वर्ड टोकन्स हैं उनके लिए वो सिंगल टोकन जनरेट करे। अच्छा, अब ये टोकनाइजेशन हो गई, अब हम वर्ड टू वेक पे आ रहे हैं। तो सेमेंटिक्स डिस्कवर करना कॉर्पस से कितना आसान है, अब यहाँ से देख लेते हैं। अपने जेनसिम मॉडल बनाया, मिनिमम काउंट मॉडल्स बनाया। अच्छा, उसमें एस क्या है, एस इज सेट ऑफ टोकनाइज स्ट्रिंग। एस एक लिस्ट थी जिसमें टोकनाइज स्ट्रिंग ऐड होते जा रहे थे, तो जितने भी टोकनाइज सेंटेंसेज हैं वो एस में ऐड होते जा रहे हैं। ये हमने एस पास किया। मिनिमम काउंट, हम उस वर्ड को कंसिडर करेंगे जो कम से कम 5 दफा इस्तेमाल हुआ, और साइज शायद विंडो का साइज है कि हर वर्ड के आसपास के 20 वर्ड्स हम देखेंगे कि उसके सराउंडिंग में 20 वर्ड्स की बेस पर उसके सेमेंटिक का फैसला करेंगे। ये डील किया और इसके बाद वो लर्निंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने बहुत देर से इसे रन नहीं किया था तो इसे मैं रन कर देता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ के बाद से रन नहीं किया था, तो रन टाइम रन आफ्टर। अब वो कॉर्पस को रीड करेगा, एक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ये लर्न करने की कोशिश करता है कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है तो उसके सराउंडिंग वर्ड्स क्या है, या एक सराउंडिंग वर्ड या एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है तो उसके बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है। तो वो रन करने के बाद एक मॉडल बन जाएगा। तो अभी मॉडल थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये मॉडल रन बन जाने के बाद हम होगा क्या, ये हर वर्ड को वेक्टर्स की फॉर्म में लर्न कर लेगा। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो उनके लिंक्स होते हैं, तो हर लिंक का जो वेट है वो वेक्टर का एक फीचर होगा। तो ये 100 फीचर वाला वेक्टर या 300 फीचर वाला वेक्टर नॉर्मली बन जाएगा। अब हमारे पास ये मॉडल ट्रेन होके आ गया, उसने कॉर्पस रीड किया। आपके पास अगर किसी और लैंग्वेज का कॉर्पस है या किसी और डोमेन का कॉर्पस है, आप वो लर्न वो से दे दें तो वो उसकी सेमेंटिक्स लर्न कर ले। अब मॉडल डॉट डब्ल्यू वी वर्ड वैक्टर्स डॉट मोस्ट सिमिलर, सूरज का मोस्ट सिमिलर वर्ड्स कौन से। सूरज के मोस्ट सिमिलर वर्ड्स आफ्ताब, गुरूब, तुलू, गिरहन, चांद, सुबह, ये सारे इसके मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं। खामी बस इसकी ये है कि ये सिमिलर वर्ड्स में, रिलेटेड वर्ड्स में ये नहीं कहता कि कौन से सिनोनियम है, कौन से एंटोनियम है, कौन से मेरोनियम है, इनमें क्या किस टाइप का रिलेशन है वो नहीं बताता। सूरज और
आफ्ताब एक ही चीज के दो नाम है, सूरज और गुरूप, गुरूप सूरज का एक फंक्शन है, तुलूस का एक फंक्शन है, सूरज ग्रहण में की अलग है, सूरज और चांद एक टाइप की चीजें हैं सिस्टर टर्म से, तो ये इसकी टाइप नहीं बताता। इसीलिए जब मैं वर्ड सेमेंटिक्स पे बात कर रहा था तो कहा था कि इसके ऊपर कोई सिस्टम बन सकता है जो इन वर्ड्स को देखे और इनको फिर क्लासिफाई करे कि कौन सा सिनोनिम है, कौन सा एंटोनिम है और क्या चीज है। इसी तरह से अगर फजर को फॉर एग्जांपल रन करें तो फजर से मोस्ट सिमिलर जो चीजें आएंगी वो इशा, असर, मगरिब, जोहर, सुन्नतें, सुन्नतों, वितर। तो इसने ऑटोमेटिकली चीजें खुद लर्न करनी शुरू की हैं। और क्या था, चार के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 5, 7, कई 10, तो जितने क्वांटिफायर्स हैं वो उसने खुद लर्न करने शुरू किए। तो अगर आपके पास कॉर्पस मौजूद हो तो उससे सेमेंटिक्स लर्न करना बहुत आसान है, और फिर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी जगहों पे। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या किसी भी जगह पे डेटा सेट मौजूद है लेकिन डेटा सेट बहुत बड़ा नहीं है, आपने जो सिस्टम में उसे ट्रेन करने के लिए दिया उसमें फजर और इशा का तो जिक्र था, असर का जिक्र नहीं था, तो सिस्टम ये तो लर्न कर लेगा कि अगर फजर का वर्ड आ रहा है तो वो नमाज के डोमेन में है, अगर वो इशा का वर्ड आ रहा है तो नमाज के डोमेन में, लेकिन अगर असर आ रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लर्न नहीं कर सकता क्योंकि तो उसने ये वर्ड कभी देखा ही नहीं था। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ नमाज की डोमेन है और कौन सी चीज़ कोई अदर डोमेन है, तो हमने 100 डॉक्यूमेंट्स दी जो नमाज की डोमेन की थी जिनमें नमाज के मुताबिक बात हो रही थी, और 100 डॉक्यूमेंट दी जिसमें किसी और टॉपिक के मुताबिक बात हो रही थी, और उसके बाद मशीन लर्निंग सिस्टम से कर लर्न करना शुरू कर दिया। मशीन लर्निंग सिस्टम किस तरह से लर्न करेगा, वो नॉर्मली वर्ड्स लर्न कर लेगा कि फजर का वर्ड, इशा का वर्ड, सुन्नतें का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है नमाज की डोमेन में, तो यहाँ से फिर वो, लेकिन उसमें कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल असर मिस हो गया, सुन्नतें तो लिखा हुआ है लेकिन सुन्नतों मिस हो गया या वितर मिस हो गया, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ 100 डॉक्यूमेंट दी थी उसमें हर वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वर्ड इम्बेडिंग का फायदा यह है कि ये ट्रेनिंग सेट पे नहीं होती बल्कि अनसुपरवाइज कॉर्पस पे होती है, तब तो बहुत बड़ा कॉर्पस मौजूद है और वहां से उसने रिलेटेड टर्म्स मालूम कर ली। अब अगर फजर पे वो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट में अगर फजर आ रहा है तो उसे नमाज के डॉक्यूमेंट के डिक्लेयर कर दो, तो इससे जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आ रहे होंगे तो भी हम सिस्टम यही कहेगा कि उसे नमाज के डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दो, तो वो ईशा पे भी कर देगा, असर पे भी कर देगा, सुन्नतों पे भी कर देगा, वितर पे भी कर देगा। तो ये एक तरह की ट्रांसफर लर्निंग की एक एग्जाम्पल है कि आपने पहले एक ऐसे डाटा सेट पे ट्रेन किया जो अन जो जिस पे ट्रेनिंग सेट मौजूद नहीं था, वो उस पे कोई हमने टैगिंग नहीं की हुई थी और उसने उस पे सेमेंटिक्स ऑटोमेटिकली लर्न कर ली, और उन सेमेंटिक्स को फिर हमने किसी छोटे डेटा सेट के साथ अटैच कर लिया, ट्रेनिंग सेट के साथ अटैच कर लिया, और वहां से हमें रिजल्ट बेहतर मिलने लगे। तो वर्ड एम्बेडिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है टास्क को इनरिच करने के लिए, कि कम ट्रेनिंग सेट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट गेट करने के लिए। फिर इस मॉडल को आप सेव भी कर सकते हैं, मैं ये सिंधी पे तजुर्बा कर रहा था, बाद में मैंने इसे चेंज किया, तो सेव के लिए बस आप पिकल यूज करके मॉडल, बल्कि शायद इसमें तो बना बनाया भी आता है, मॉडल डॉट सेव करेंगे तो ये आपके हार्ड डिस्क पर ये सेव हो जाएगा, या गूगल ड्राइव पे ये मॉडल सेव हो जाएगा। तो एक दफ़ा मॉडल बना के सेव कर लिया, बाद में उसे मॉडल और लोड से लोड किया और उसे दोबारा से इस्तेमाल करना, तो इस मॉडल को सेव भी किया जा सकता है। अच्छा, उर्दू के जो मॉडल, उर्दू और सिंधी दोनों के का वर्ड टू वर्ड मॉडल मैंने ट्रेन करके कैगल पे रखा हुआ है, तो आप कैगल पे जाके सर्च करें, बल्कि ये जो गिटहब जो आपसे शेयर किया है ना इस पे एक और रिपोजिटरी है उस पे भी रखा हुआ है, तो इन दोनों जहाँ पे कैगल पे भी और यहाँ की रिपोजिटरीज पे भी ये उर्दू और सिंधी के बड़े कॉर्पस पे वर्ड टू वर्ड मॉडल ट्रेन करके रखे हुए हैं। एक ओपन क्वेश्चन है कि वर्ड टू वेक मॉडल या फास्टेक्स मॉडल में से बेहतर कौन सा है। फास्टेक्स मॉडल जब हमने देखा था तो उसमें ये था कि वो सब वर्ड्स पे चलता है, जैसे अभी हमने सुन्नतें और सुन्नतों देखा, तो वो एक ही वर्ड की दो फॉर्म है, तो
तो असल में वो सुन्नत को लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, इम्बेडिंग, इम्बेडेड, इम्बेड्स, इन सब में से वो लर्न करने की कोशिश करेगा। सब वर्ड इम्बेड है जो हर एक में कॉमन होता है, इम्बेड की सेमेंटिक्स ये है, तो वो इन चीजों को लर्न करेगा फास्ट टेक्स्ट। अक्सर वो अच्छे रिजल्ट देता है। उर्दू के लिए जब भी मैंने चलाने की कोशिश की, एक दफा स्टूडेंट्स को असाइनमेंट भी दिया, तो ज्यादातर का ख्याल यह है कि फास्ट टेक्स्ट बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, वो सब वर्ड्स में वो कुछ ज्यादा चीजें, ऐसी चीजें लर्न कर जाता है जो उसे लर्न नहीं करनी चाहिए, या तो उसके हाइपर पैरामीटर्स को आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, या फिर किसी को एक बैठ के सुकून से तजुर्बा करने की जरूरत है कि फास्ट टेक्स्ट और वर्ड एम्बेडिंग में, वर्ड टू वेक में से कौन सा अच्छा चलता है। हम लोगों का ज्यादातर, मेरा भी ख्याल यह है, मैंने कुछ कॉर्पस को, दोनों कॉर्पस को ट्रेन करके देखा है, स्टूडेंट से भी करवाया, उनका उनमें से भी ज्यादा ख्याल ये था कि वर्ड टू वर्क अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फास्ट टेक्स की बात वही है जो हम मॉडरेट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, लिखता, लिखती, लिखते, ये सारी फॉर्म्स, इतनी सारी फॉर्म्स मौजूद नहीं भी हों और वो लिख की किसी तरह से सब वर्ड लिख की सेमेंटिक्स फास्ट टेक्स लर्न कर सकता है, वर्ड टू वर्क के लिए हर फॉर्म की वो सेमेंटिक्स अलहदा अलहदा लर्न करेगा। कोई वर्ड फॉर्म अगर कॉर्पस में नहीं आई तो बस वो मिस हो गई। अच्छा, ये खत्म हो गया, अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, सेमेंटिक रोल्स पर। अच्छा, सेमेंटिक रोल्स पे जाने से पहले फिर मैं, अगर जो हमारे काम खत्म है वो वाले देख ले। एक हमने ये कहा था कि मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बनाना है। मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर और हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बाद फॉर्मा देखा था, फॉर्मा के जरिए किस तरीके से हम फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं, जो जिसे वर्ड दें तो वो उसके लॉजिकल फॉर्म जनरेट कर देता है, या लॉजिकल फॉर्म दें तो वो वर्ड जनरेट। फॉर्मा को यूज करते हुए और रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए अब हम उर्दू के लिए, सिंधी के लिए, पंजाबी के लिए फाइनाइट स्टेट मशीन्स बना सकते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर और जनरेटर का काम दें। स्टार्टिंग के लिए मैंने सजेस्ट ये किया है कि हम इसे स्टार्ट करें यहाँ से, हम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम स्वादिष्ट लिस्ट स्टार्ट करते हैं। स्वादिष्ट लिस्ट फील्ड लिंग्विस्ट इस्तेमाल करते हैं कि जब वो किसी इलाके में किसी नई जबान को का एनालिसिस करने जाते हैं तो उनके पास 150-200 वर्ड्स की लिस्ट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो लिस्ट आ जाती है। उन 150-200 अल्फाज को वो देख के बताते हैं कि मेरी जबान में उसका मतलब क्या, उर्दू में वो क्या है, सिंधी में क्या है, एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जाम्पल वो जाके कहते हैं कि ही का मतलब संस्कृत में क्या है, पाली में क्या है, हिंदी में क्या है, नेपाली में क्या है। इसी तरह से थिन, वुमेन, मैन, चाइल्ड, हस्बैंड, तो वो चीजें जो हर कल्चर में इस्तेमाल होती है। हो सकता है एक कल्चर में लैपटॉप इस्तेमाल होता हो, एक और जगह जाए डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाए तो वहां स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर इस्तेमाल होता हो, इंजीनियर्स के पास जाएं या मैकेनिक्स के पास जाएं तो वो मशीन्स की बात कर रहे हो, तो डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट बात होती है। लेकिन ये इनकी लिस्ट ऐसी है कि वो हर सोसाइटी ये वर्ड्स तो इस्तेमाल करती ही होगी, तो इन वर्ड्स के लिए इन वर्ड्स की एक लिस्ट मौजूद है। तो मुझसे कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी पूछा था हम बनाना चाहते हैं, मैंने कहा पहले इन वर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और ये वर्ड्स की लिस्ट मौजूद है, आप अपनी जबान में इनका तर्जुमा करें कि आपकी जबान में क्या है। तो पहली बात, इनका तर्जुमा अपनी जबान में करें, ये स्वादिष्ट लिस्ट मौजूद है और कई जबानों में के लिए तो ये मौजूद ही है। फिर इसमें वो वर्ब्स जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, स्विम, फ्लाई, वॉक, ये तो इस्तेमाल होता है। हो सकता है रीड राइट किसी सोसाइटी में इस्तेमाल ना होता हो, बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी है वहाँ पे रीड और राइट का कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन स्विम का, फ्लाई का और वॉक का तो होगा कॉन्सेप्ट। तो हमने वर्ड की कोई लिस्ट चाहिए थी तो स्टार्ट करने के लिए हमने ये वर्ड लिस्ट ले ली। उसके बाद फिर करना यह है कि इन वर्ड्स की डिफरेंट फॉर्म्स लेनी है। जिस तरह से हमने कहा तैरना है स्विम, तो
तो तैरता तैरती तैरते ये सब कुछ हो गया। चाइल्ड है बच्चा, तो बच्ची बच्चा बच्चे बच्चों, ये सारी चीज, ये तीनों सारी चारों चीजें हो गई। तो इनको हम किस तरह से डील करेंगे, ये डील ये करना है। तो आपका काम यह है कि सॉजेस्ट लिस्ट अगर आप करना चाहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर पे, तो सॉजेस्ट लिस्ट पिक करें। उसमें से पहले तो देखें कि ये चीज नाउन है, ये क्वांटिफायर है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। फिर उन उनमें से हर वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को आप चेक करें। रिप्लाई मैं अभी करता हूँ क्वेश्चंस के, मैं अभी पहले ये खत्म करना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज नाउन के लिए, फॉर एग्जांपल हम नाउन से स्टार्ट करते हैं, तो ये जस्ट एक सजेशन है। जस्ट सजेशन ये है कि आप स्टार्ट करें सिंगुलर प्लूरल नाउन से। नाउन में ये देख लें कि उसकी सिंगुलर की फॉर्म अलग होगी, प्लूरल की फॉर्म अलग होगी, बच्चा और बच्चों। फिर फॉर एग्जाम्पल उसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे ने कहा और बच्चों को कहा, बच्चे आए और बच्चे ने कहा और बच्चों ने कहा, तो बच्चों ने एक और फॉर्म है और बच्चे, दो बच्चे आए, ये एक अलग फॉर्म है। ये भी हमने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में देखा था। तो पोस्ट पोजिशन से पहले रख के उसे देख लें, या आपकी जबान में अगर प्री पोजिशन होता है तो प्री पोजिशन के बाद में रख के देख लें कि उसकी फॉर्म चेंज होती है या नहीं होती। तीसरी चीज जो है, इन द एब्सेंस ऑफ केस मार्कर, बहुत सारी लैंग्वेज में केस मार्कर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये वाली बच्चे वाली एग्जाम्पल देख लें, बच्चे ने एक जानवर देखा, अगर ये हो जाएगा। सिंधी में जब इसे कहेंगे तो सिंधी में ने नहीं होता, बहुत सारी जबानों में ने नहीं होता, लेकिन अर्गेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको वर्ड की फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। तो सिंधी में भी फिर वर्ड की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट ऑफ द परफेक्ट की फॉर्म अक्सर आपको चेंज करनी पड़ती है। लोकेटिव्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लोकेटिव्स की फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। इवन उर्दू में मैं डाखाने गया, ये नहीं होगा मैं डाखाना गया, मैं कलकत्ता गया नहीं होता, मैं कलकत्ते गया, तो आपको उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है। सिंधी के एग्जाम्पल हमने मॉर्फोलॉजी में देखी थी, सिंधी और पंजाबी में, कि आ और ओ लगाते हैं एब्लेटिव के लिए फॉर्म और से की जगह, घना और घरों जो बोलते हैं घर से के मायनों में। ऑब्जेक्ट्स के साथ अक्सर कुछ लैंग्वेज हम को लगाते हैं, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में को नहीं होता, लेकिन उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो आपको ये डिफरेंट फॉर्म्स देखनी है कि नाउन के कितनी फॉर्म्स हैं, और उसकी बेस पे फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बनाने। ऑफलाइन अगर कोई चीज करनी है ऑफलाइन, तो आप मुझसे बात कर लें और फिर हम उसमें डील कर लेंगे। फिर हम एक बाकायदा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक साहब ने काम कहा भी है, तो हम उन्हीं को मैंने मशवरा दिया था, तो मैंने कहा सबको ये मशवरा दे दूं कि यहाँ से स्टार्ट कर दें। हाँ जी, पहले अकरम साहब ने कहा था, फिर शफकत साहब। जी, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैन यू हियर मी? जी, सर पंजाबी के वाले से बात हो रही थी, उसमें दो एक्सप्रेशन है, एक तो है घर आ और दूसरा है घर आमी। अब एक जगह आ को यूज कर रहा है और दूसरी जगह आमी को यूज कर रहा है, तो उसको जब हम टैग करेंगे तो सर उसको कैसा होगा? तो दोनों के फंक्शन डिफरेंट होंगे, दोनों का टेंस एस्पेक्ट डिफरेंट होगा। आ जो है ये उसका हैबिचुअल पुश करता है, घर आना आता इन उर्दू एग्जाम्पल, और घर आमी में ढोलना, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी रोमांटिक पोएट्री में कहते हैं कि घर आमी में ढोलना। तो आमी जो है सर वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम कैसे टैगिंग में करें? घर आमी, इसके लिए हमें अलग 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 टैगिंग करने होंगे। अलग टैगिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से उर्दू के लिए मैंने बताया था कि ये चार पांच बेसिक फॉर्म्स हैं जिनके मिलने से डिफरेंट फॉर्म बनती है, तो पंजाबी के लिए भी वो जी सारी बेसिक फॉर्म्स, उर्दू में इन्फिनेटिव जी था, परफेक्टिव जी था, ना इम्परफेक्टिव,